जोहार जय मुनिवासी, मैं रविंद्र ने और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य का निर्माण कैसे किया इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महज उम्र के 15 साल में राष्ट्रमाता जिजाऊ से प्रेरणा लेकर स्वराज्य स्थापना करने का निश्चय किया था। उन्होंने कार्य 1200 मावलों को भूमिपुत्रों को साथ लेकर अपने स्वराज्य की पताका फहराई। उस समय उनके सामने आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, मोगल और अपने मराठा सरदारों का विरोध सहना पड़ा और उनके साथ संघर्ष करना पड़ा। उस समय कुछ लोगों ने यानी कुछ मराठा सरदारों ने शिवाजी महाराज की छोटी सेना पर हंसी उड़ाई थी, मगर किसी व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, निश्चय, विश्वास, इच्छा शक्ति अत्यंत हाई पॉइंट पर चली जाती है, वह व्यक्ति असामान्य काम कर सकता है और लोगों से करवा भी सकता है। वही काम शिवाजी महाराज ने किया। शिवाजी महाराज ने सामान्य लोगों से असामान्य काम करवाया। जीवा महाले, तानाजी मालसुरे, एसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, हजारों से ऐसे सेनापति निर्माण किए जो स्वराज्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुए। लश्कर बनाया, अष्ट प्रधान मंडल बनाया, नौसेना बनाई, समुद्री मार्ग से सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए किलों की निर्मित किया और रैत यानी जनता का राज्य बनाया। वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द स्टेट की संकल्पना वास्तव में तैयार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल वीर योद्धा नहीं थे बल्कि वो मैनेजमेंट गुरु थे। पहले अपने स्वराज्य का उद्देश्य बनाया, उसका नियोजन किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया और सारी व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाली मशीनरी तैयार किया। मानवीय साधन, संसाधन और अन्य साधनों का इस्तेमाल करके अपना उद्देश्य पूरा किया। आज दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं ने आज जो मैनेजमेंट नाम की फैकल्टी तैयार किया, उनके दादा परदादा के जन्म के 200 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य निर्माण करने का मैनेजमेंट बनाया था। यह मैनेजमेंट उन्होंने आज तक आक्रमणकारी मुगलों और ब्राह्मणशाही ने दबाए हुए उन आम आदमी के लिए किया था, उन आम आदमी के खोपड़ी में आशाओं का दिया प्रज्वलित किया। वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन एंड नेशनल वेलफेयर मैनेजमेंट फॉर ऑल की नीति अपनाई। जैसे आज भारत में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें अल्पजन हिताय की नीति अपनाते हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का नाम देने से सर्वसामान्य बहुजनों का कोई फायदा होने वाला नहीं है, मगर शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नीति बनाई उस नीति पर अष्टप्रधान मंडल में चर्चा करते थे, निर्णय लेते थे, अपनी माता जिजाऊ पत्नी सहीबाई से मशुरा भी करते थे और आखिरी निर्णय देते थे, उस निर्णय पर अटल रहते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इसलिए कहते थे, अपने पोवाड़ा में लिखते थे, सहीबाई ने मसल सुचवली तसे महाराज वागले आणि परिणामी शहाजी राजांची सुटका झाली। जैसे सहीबाई ने जो मशुरा दिया वैसे छत्रपती शिवाजी महाराज ने मान लिया और इसी वजह से जो मुगलों के जेल में शहाजी महाराज थे उनकी मुगलों से रिहाई हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में महाराष्ट्र में लगभग 360 किले जीते। छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से आज महाराष्ट्र गढ़ किलों का घर कहा जाता है, मगर उन किलों पर अपने नाम की बोर्ड नहीं लगाया। आजकल के नेता जैसे नाली का निर्माण करेंगे, छोटा सा रास्ता बनाएंगे, उसका उद्घाटन समारोह करेंगे, सामने अपने नाम का एक बोर्ड लगाएंगे, दिखावा करेंगे। यह काम ग्रेट लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं किया। अपने साझेदारों में संघ की भावना निर्माण किया, उनके सुख दुख को समझा, इसलिए उनसे लोग जुड़ते गए, उनका कारवा बढ़ता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी मूलनिवासी बहुजन समाज का एक आदर्श थे। उनका स्वराज्य का जो आंदोलन था मुगलों और ब्राह्मणशाही के खिलाफ जरूर था, मगर उनके स्वराज्य के आंदोलन ने अन्य धर्मियों के दीन की हिफाजत की। जैसे किसी युद्ध करते समय मस्जिद का ध्वंस नहीं किया, लूट करते समय मुसलमानों का कुरान शरीफ मिलने पर मुसलमानों को सम्मानपूर्वक उसे वापस कर देते, मजलूमों को सताना उनके राजनीतिक व्यवहार में बिल्कुल नहीं था। किसी महिला पर अपने जाति के व्यक्ति ने बलात्कार किया तो उसे बख्शते नहीं थे, उसके हाथ पर कलम करते थे यानी तोड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से आज के शासकों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पुना से 9 मील रांजेगांव का पाटिल बाबाजी पटेल, इन्होंने महार जाति के लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बाबाजी भिकाजी पटेल पहले भी अन्य महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, अब तक उसके दबंगी के कारण उनके विरोध में कोई नहीं जाता था, मगर यह मामला सीधे राष्ट्रमाता जिजाऊ के कोर्ट में गया था। जिजाऊ इस बात पर बहुत चिढ़ गई थी, मेरे बेटे ने रात दिन एक करके यह स्वराज्य निर्माण किया
और अपने ही लोग ऐसा अन्याय करेंगे तो जनता को लगेगा इससे तो मुगलों का राज सही था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस हरामखोर बाबाजी पटेल का वतन छीन लिया, उसके हाथ पैर कलम कर दिया। शिवसेना प्रमुख स्मृति शेष, बालासाहेब ठाकरे इनके पिता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके दादा, प्रबोधनराव ठाकरे यानी केशव सीताराम ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में कहते हैं। शिवाजी महाराज इस नाम से इतनी प्रेरणा है, उनके सामने 33 करोड़ देवताओं की फौज आउट हो जाती है। जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय मूल्यवासी, धन्यवाद।